गुरुवार रात मनीष मल्होत्रा का एनुअल ब्राइडल शो का आगाज हुआ। इस खास मौके पर बॉलीवुड सेलेब्स बिजनेसमैन तक इस शो का अटेंड करने पहुंचे थे। मुकेश अंबानी बेटी ईशा और मां कोकिलाबेन के साथ इस शो का हिस्सा बने। वहीं दीपिका पादुकोण, काजोल, करण जौहर, रकुलप्रीत, प्रनूतन और खुशी कपूर जैसे सेलेब्स पहुंचे थे। इस शो में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट शो स्टॉपर थे। हालांकि जिस चीज ने सभी का ध्यान खींचा वो था रणवीर कपूर का रैंप छोड़ मुकेश अंबानी को गले मिलना। रणवीर वैसे तो पहले दीपिका को किस करने के लिए रैंप छोड़ उनके पास पहुंचे थे, जिसके बाद एक्टर मुकेश अंबानी से मिलने फिर रैंप छोड़ उनके पास पहुंचे। इस शो में दीपिका पादुकोण का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस मुकेश अंबानी को गले लगाती नजर आती है। इस दौरान एक्ट्रेस की सांस का रिएक्शन देखने लायक है। रणवीर सिंह का रैंप वॉक के दौरान का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर रैंप छोड़ मुकेश अंबानी से गले मिलने पहुंचे हैं। इस दौरान रणवीर ने काफी गर्मजोशी से मुकेश अंबानी से हाथ मिलाया। मुकेश के पास उनकी बेटी ईशा अंबानी भी बैठी थी। रणवीर ने उनसे भी मुलाकात की। हालांकि इस दौरान एक्टर कोकिलाबेन से नहीं मिले, जो मुकेश अंबानी के बगल में ही बैठी थी। इस वीडियो के सामने आते ही ये तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान दीपिका पादुकोण का भी एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो मुकेश अंबानी को हग करती नजर आ रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि दीपिका मुकेश के पास जाती है और उनके गले मिल जाती है। इस दौरान कुछ देर दोनों की बातचीत भी होती है। इस दौरान एक्ट्रेस की सासू माँ भी वहीं मौजूद होती है और सोशल मीडिया रिएक्शन काफी वायरल हो रहा है। हालांकि बाद में एक्ट्रेस ईशा अंबानी के गले मिलती है। रणवीर और दीपिका का मुकेश अंबानी और ईशा से इस तरह गले मिलने का वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है।